तो रीमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ये होगा कि किसी ने अगर तुम्हारा प्रोडक्ट या तुम्हारा सर्विस के ऊपर अगर इंटरेस्ट दिखाया प्रीवियस टाइम पे, तुम्हारा फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल या तो तुम्हारा वेबसाइट पे अगर किसी ने तुम्हारा किसी भी प्रोडक्ट या तो सर्विस से जुड़ा हुआ चीज़ों पे उसने कुछ एक्टिविटी परफॉर्म किया या तो जो भी किया, ठीक है, उसने फॉर्म फिलअप किया या तो मैसेज किया या तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप जो भी हो, तो इस तरह से कुछ भी एक्टिविटी किया उसने, लेकिन वो उसने तुम्हारा प्रोडक्ट को फाइनली परचेस नहीं किया, तो सर्विस को फाइनली उसने एनरोल नहीं किया, तो उसको तुम फिर से अपना प्रोडक्ट का एडवर्टाइज मतलब उसको दिखा सकते हो, अपना प्रोडक्ट जो भी हो अपना सर्विस का उसको तुम उस तक ले प्रोमोट कर सकते हो। तो ये हो गया रीमार्केटिंग, ठीक है, रीमार्केटिंग। तो और यही चीज़ फेसबुक में, फेसबुक मार्केटिंग में या तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में कैसे करना है, हम लोगों ने आज अभी तक क्या सीखा, अभी तक हम लोगों ने फेसबुक में नॉर्मली अपना पोस्ट कैसे प्रमोट करना है, या तो फेसबुक यूजिंग फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू कैसे उसको प्रोफेशनली अगर उसको अगर करना है तो वो कैसे करना है, ये भी सीख लिया हम लोगों ने। इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या सीखा था, कैसे कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करना है। तो मैंने जैसे लास्ट टाइम बोला था, हम लोगों को थ्री टाइप्स का ऑडियंस होता है, तो हम लोग ऑडियंस बनाते हैं यहाँ पे, एक हो गया सेव्ड ऑडियंस, दूसरा हो गया कस्टम ऑडियंस, थर्ड इज द लुकअलाइक ऑडियंस। सो वी ऑलरेडी डिस्कस सेव्ड ऑडियंस। सेव्ड ऑडियंस का कुछ मैंने फीचर बोला था कि वो कि एक लार्ज वॉल्यूम को कवर करता है सेव्ड ऑडियंस। सेव्ड ऑडियंस हम लोग नॉर्मली अवेयरनेस के लिए, ब्रांड प्रमोशन के लिए, या तो ट्रैफिक अपना वेबसाइट में ट्रैफिक जनरेट करने के लिए हम लोग वो सेव्ड ऑडियंस को यूज करते हैं। तो आज का टॉपिक हो गया कस्टम ऑडियंस। ओके, चलो हम लोग इसको प्रैक्टिकली थोड़ा करेंगे, उसको समझेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले मैं अपना पेज का, मैं सबसे पहले आपको जाना होगा अगर मुझे ऑडियंस क्रिएट करना है, तो ऑडियंस हम लोग कहाँ से क्रिएट करेंगे, तो ऑडियंस क्रिएट करने के लिए हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे जा रहा हूँ मैं, ऑडियंस के लिए मुझे यहाँ जाना होगा, अपना प्रोफाइल पेज पे जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे जाना होगा, ये तो मेरा प्रोफाइल पेज आ गया, यहाँ पे नहीं, हाँ सॉरी, यहाँ पे हाँ एड मैनेजर, सॉरी, हाँ एड मैनेजर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऑल टूल्स में जाना होगा हम लोगों को, ठीक है, और ऑल टूल्स में हमको मिलेगा क्या, ऑडियंस, ठीक है, ऑल टूल्स में जाना है और उसके बाद ऑडियंस, ये हो गया ऑडियंसेस। तो यहाँ पे क्लिक करना है, तो जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये सीखा था सेव्ड ऑडियंस कैसे बनाना है, ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कस्टम ऑडियंस। फिर भी मैं एक हल्का सा रिवाइज इसको मतलब फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, जो कि जो लोग नया आया है, सेव्ड ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस। अगर यहाँ पे हम लोग ऑडियंस क्रिएट करने जाए, देखो ये फेसबुक यहाँ पे, अगर हम लोग ऑडियंस वाला सेक्शन पे अगर ऑडियंस क्रिएट करने जाए, तीन ऑप्शन आ रहा है, कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस एंड सेव्ड ऑडियंस। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, प्रैक्टिकली दिखाया था, फिर भी मैं हल्का सा जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूँ। सेव्ड ऑडियंस क्या है, देखो हम लोग जब यहाँ पे बिजनेस अपना प्रमोट करेंगे, तो एक नॉर्मल प्रमोशन तुम लोगों को मैंने सिखाया था पहले ही कि कैसे प्रमोट करना है, ठीक है। तो तुम्हारा जो बिजनेस तुम प्रमोट, तुम जो एड देने वाले हो, वो एड किस किस को दिखेगा, मतलब ऑडियंस कौन होगा, किसका प्रोफाइल में वो तुम्हारा एड दिखेगा, ये तुम्हारे लिए ऑडियंस है ना, जिसके प्रोफाइल में दिखा तुम्हारे लिए ऑडियंस होगा। तुम जो एड देने वाले हो उस एड से तुमको चाहिए क्या, पहले बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, जल्दी से बोल दे रहा हूं मैं, तुम जो एड देने वाले हो उस फेसबुक में तुम जो एड डालोगे वो एड से तुमको क्या चाहिए। अलग अलग यहाँ पे मेरा एम हो सकता है, मैं चाहता हूं कि मैं जो एड डालूंगा फेसबुक में उससे मुझे मेरा फेसबुक में लाइक बढ़े, या तो मेरा फेसबुक का सब्सक्राइबर बढ़े, फॉलोअर्स बढ़े, समझ लो यहाँ पे फॉलोअर होता है, ये भी मेरा एम हो सकता है एड देने से। मैं चाहता हूँ कि मैं जो फेसबुक में पोस्ट डालूँ, पोस्ट का जो एड डालूँ, उससे मुझे चाहिए कि कोई मेरा साथ वन टू वन डिस्कशन करे, मैसेजिंग करे, या तो कोई मेरा एड को देखते हुए मुझे कॉल करे। देखो अलग अलग एम है कि नहीं, एक तो है तुमको एक एम है कि मेरा मुझे कोई कॉल ना करे, बस मेरा एड देखे और मेरा मेरा प्रोडक्ट का उसका मुझे पब्लिसिटी करना है, ठीक है। एक हो गया कोई मेरा एड देखे, तो मैं चाहता हूँ कि उससे मैं फॉर्म फिलअप करवाऊँ, उसका मैं डाटा में कलेक्ट करूँ, उसको बाद में मैं फिर से उस अपना एड दिखाऊंगा,
ठीक है, तो अलग अलग एम हो सकता है। तो ये हम लोग इसको, हम लोग जब एट डालेंगे उसके एट का हम लोग ऑब्जेक्टिव मतलब एम अलग अलग हो सकता है। तो सेव प्रोटीन्स क्या है, फर्स्ट टाइम जब मैं अपना किसी प्रोडक्ट या तो किसी सर्विस का मैं एड डालूंगा फेसबुक में, मैं चाहता हूं कि मुझे वो जो प्रोडक्ट है तो जो सर्विस है तो जो मेरा बिजनेस है वो लोगों तक मुझे पहुंचाना है, मतलब ब्रांड क्रिएट करना है, मेरा एक ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कॉल करे मैसेज करे, ये मेरा मतलब नहीं है, मुझे बस ये जानना है, मुझे ये करना है कि मेरा प्रोडक्ट मेरा बिजनेस का इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंचे। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अवेयरनेस एड चलाते हैं हम लोग। क्या एड चलाते हैं हम लोग, अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। एड करना कैंपेन चलना बात है, अवेयरनेस कैंपेन हम लोग जब चलाएंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा, कोई हमको कॉल या तो कोई मैसेज नहीं करेगा, कोई फॉर्म फिलअप नहीं करेगा, बस उसको मेरा प्रोडक्ट बिजनेस के बारे में मालूम पड़ेगा। और अवेयरनेस कैंपेन हम लोग कब चलाएंगे, हम लोग जब चलाएंगे तो मेरा ऑडियंस जो है एक हाई वॉल्यूम का ऑडियंस होना चाहिए। मैं सिर्फ 10-12 हज़ार लोगों तक अपना अवेयरनेस दिए तो कोई अवेयरनेस नहीं हुआ ना, मिलियंस ऑफ लोगों तक मैं अपना प्रोडक्ट या तो सर्विस या तो बिजनेस का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड दूं तो वो होगा अवेयरनेस ना। तो अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए मुझे ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ऑडियंस चाहिए, और ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ऑडियंस के लिए हम लोग और फेसबुक में हम लोग क्या करते हैं, इस ऑडियंस लिस्ट अलग से बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्रिएट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक, सेव ऑडियंस। ठीक है, तो मुझे ह्यूज वॉल्यूम अगर ऑडियंस चाहिए तो वो मैं कैसे ला सकता हूँ, वो मैं कैसे लाऊंगा, सेव ऑडियंस के कॉन्सेप्ट के थ्रू लाऊंगा। तुम यहाँ पे देखो, तुम यहाँ पे खुद देख लो कि यहाँ पे मैंने दो सेव ऑडियंस बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज देखो, ऑलमोस्ट मिलियन में है कि नहीं, साइज देखो इसका, ये 22 लाख से 26 लाख से उसका ऑडियंस वॉल्यूम साइज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सेव्ड ऑडियंस हम लोग यूज करते हैं अवेयरनेस चलाने के लिए। ठीक है, तो जब भी मुझे कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाना है मैं जो सेव्ड ऑडियंस ने बना के रखा है उसको यूज करूंगा। समझ लो अभी मैंने यहाँ पे दो सेव्ड ऑडियंस बना के रखा है और मुझे अवेयरनेस कैंपेन चलाना है अभी, तो मैं इन दोनों ऑडियंस को यूज करूंगा क्योंकि ये सेव्ड ऑडियंस है, उसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है। और अवेयरनेस कैंपेन से मुझे कोई क्या नहीं मिलेगा, कोई कॉल या तो कोई मैसेज या तो कोई फॉर्म का इस तरह से मुझे नहीं मिलेगा, वो जस्ट अवेयरनेस के लिए होता है। ठीक है, पहला बात होता है इसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है, ऑडियंस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। जब मैं प्रैक्टिकली जैसे मैंने ऑलरेडी क्लास कर दिया इसका और तुम लोगों को शायद स्किप किया हो क्लास को, बाद में फिर से कर दूंगा। अच्छा, आज का जो टॉपिक है, अच्छा और एक बात है, आज का जो टॉपिक है दैट इज कस्टम ऑडियंस। ठीक है, तो मैं आज सेव ऑडियंस कैसे बनाना है वो नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कस्टम ऑडियंस। और सेव ऑडियंस में मैंने तुम लोग को ये भी बोला था, ये सेव ऑडियंस जब हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए तीन बेस होता है, क्या क्या, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। मतलब लोगों का इंटरेस्ट के, जब समझ लो अभी मैं अपना कोई जैसे मैं लास्ट टाइम क्या एग्जांपल दिया था, वेडिंग वाला, समझ लो मैं वेडिंग से जुड़ा हुआ मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ तो मैं वेडिंग से जुड़ा हुआ एड डालना चाहता हूँ, तो किन किन लोगों का वेडिंग के ऊपर इंटरेस्ट है तो फेसबुक उन्हीं लोगों को मेरा एड दिखाएगा। इंटरेस्ट, समझ लो अभी किसी के घर में शादी का माहौल चल रहा है तो वो तो शादी से जुड़ा हुआ ही चीज़ों को वो सर्च करेगा ना, उसको रिसेप्शन कहाँ देना है, कैसे खाना, कैसे मतलब जो भी हो, मतलब शादी से जुड़ा हुआ जो भी एक्टिविटी उससे वो सर्च करेगा तो मेरा एड उस तक दिखेगा, उसका प्रोफाइल में दिखेगा। क्लियर, तो सेव्ड ऑडियंस जो बनता है ना वो इंटरेस्ट के ऊपर बनता है, बिहेवियर के ऊपर बनता है, डेमोग्राफी के ऊपर बनता है। खैर थोड़े थियोरेटिकल बात है, समझ में बाद में आएगा, अभी हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे कस्टम ऑडियंस को, बाद में दिखा दूंगा फिर से एक बार। टुडेज टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट कस्टम ऑडियंस, ओके, फॉर आवर एड प्रमोशन के लिए, फेसबुक एड प्रमोट करने के लिए। तो कस्टम ऑडियंस, सेव्ड ऑडियंस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, कस्टम ऑडियंस का वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, और लुक अलाइक ऑडियंस का वॉल्यूम और भी कम होगा। तो लुक अलाइक आज नहीं बात करूंगा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कस्टम ऑडियंस। पहले ये समझ लेते हैं ये कस्टम ऑडियंस कौन सा होगा, कस्टम ऑडियंस कौन सा होगा। अभी समझ लो तुम्हारा एक वेबसाइट है, ठीक है, और वेबसाइट, तुम्हारा वेबसाइट को जिन यूजर्स ने विजिट किया है,
मैं चाहता हूं कि उन्हीं यूजर्स को मैं अपना एड दिखाऊं। बताऊं मेरा क्या बोल रहा हूं, तो यहां पे मेरा वेबसाइट को विजिट तो मिलियन में नहीं होगा ना, कम होगा डेफिनेटली, हजारों में होगा, 2000 जितना भी हो। मैं चाहता हूं कि उन लोगों तक ही मैं अपना एड दिखाऊं, और किन लोगों को दिखा रहा हूं, जिसने ऑलरेडी मेरा साइट को विजिट किया, तो मैं उनको रीटारगेट कर रहा हूं, उनको फिर से अपना एड दिखा रहा हूं। इट्स काइंड ऑफ रीमार्केटिंग, क्लियर। और इसमें क्या होगा, इसमें ऑडियंस साइज घटेगा, क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट बिहेवियर के ऊपर ऑडियंस नहीं बनाया जा रहा है, डेमोग्राफी के ऊपर ऑडियंस नहीं बनाया जा रहा है, यहाँ पे जिसने मेरा वेबसाइट को विजिट किया वो उसको ऑडियंस बनाया जा रहा है और उसको एड दिखाया जाएगा, तो यहाँ पे ऑडियंस का साइज घट जाएगा। समझ लो मेरा फेसबुक पेज है, जिन लोगों ने मेरा फेसबुक पेज को विजिट किया या तो मेरा जिन लोगों ने मेरा फेसबुक पेज को लाइक किया, फॉलो किया, मैं उनको दिखाना चाहता हूं, या तो जिन लोगों ने मेरा फेसबुक में जो वीडियो डाला गया उस वीडियो को दिखा, उस वीडियो को उसने प्ले किया, उसको मैं अपना एड दिखाना चाहता हूं। जिन लोगों ने मेरा फेसबुक वीडियो को 5 at least 10 seconds के लिए दिखा, देखो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस होता है, यहाँ पे एक तो वीडियो दिखा किसी ने मेरा, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। एक बात है कि किसी ने मेरा वीडियो 10 seconds तक दिखा, किसी ने मेरा वीडियो हाफ एन आवर तक दिखा, तो जिसने ज्यादा दिखा इट इज मोर इंटरेस्टेड इन माई प्रोडक्ट और सर्विस, इतना डिट। किसी ने मेरा वीडियो समझ लो 15 seconds 20 seconds तक दिखा, मतलब क्या, उसका मेरा वीडियो के ऊपर उसका थोड़ा इंटरेस्ट है, और मेरा वो वीडियो किस चीज के ऊपर जुड़ा हुआ है, जिस चीज से जुड़ा हुआ है, मैंने जिसके मेरे जिससे भी जुड़ा हुआ वीडियो दिया है वो उसने देखा, तो वो कुछ वो अलग जो ऑडियंस होगा मेरे लिए ज्यादा रिलीवेंट होगा ना, क्लियर। और उस तरह का ऑडियंस कितना होगा, मिलियंस में होगा क्या, नहीं होगा, कम होगा ना, डेफिनेटली कम होगा। तो इसीलिए कस्टम ऑडियंस का ऑडियंस साइज सेट ऑडियंस साइज से कम होता है, क्लियर। क्योंकि जो पहले से ही मेरा प्रोडक्ट सर्विस या तो किसी चीज में उसने एनरोल करके रखा है या तो एक्टिविटी कुछ परफॉर्म करके रखा है, उसी को दिखा, उस वही मेरा ऑडियंस होगा, तो ऑडियंस साइज घटेगा। चलो ये तो समझ में आ चुका है, नाउ इसको करके देखते हैं। तो कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने के लिए गो टू क्रिएट ऑडियंस एंड कस्टम ऑडियंस। ध्यान रखना, सब भी तुम कैंपेन करते हो ट्राई करना, पहले सेव्ड ऑडियंस को लेके कैंपेन कर लो, अवेयरनेस बना लो, उसके बाद तुम ये कस्टम ऑडियंस, जरूरी नहीं है कि सेव्ड ऑडियंस करना ही होगा, लेकिन ये प्रोफेशनल वे ऑफ तुम्हारा काम करने का तरीका होता है। अच्छा, सो लेट्स गो टू कस्टम ऑडियंस, हाउ टू क्रिएट कस्टम ऑडियंस। तो यहाँ पे ऑडियंस में आ जाओ, क्रिएट ऑडियंस में क्लिक करो एंड कस्टम ऑडियंस। अब यहाँ पे कस्टम ऑडियंस का तुम्हारा दो सोर्स होता है, ऑडियंस सोर्स, मतलब मैंने बोला कि तुम्हारा वेबसाइट से जुड़ा हुआ मेरा किसी ने मेरा वेबसाइट को पहले विजिट किया, मैं चाहता हूँ कि उनको मैं दिखाऊं अपना एड, तो वो मेरा ऑडियंस है कि नहीं। और मेरा सोर्स क्या है, वेबसाइट, ऑडियंस, मेरा ऑडियंस का सोर्स कौन सा है, वेबसाइट। तो यहाँ पे सोर्स दो तरह का हो सकता है, एक हो गया तुम्हारा अपना खुद का सोर्स, वेबसाइट फेसबुक का तो नहीं है, तुम्हारा अपना वेबसाइट है ना, तो वो तुम्हारा अपना सोर्स, योर सोर्स, क्या लिखा हुआ है, योर सोर्सेस। कस्टम लिस्ट, तुम्हारे पास अगर इस तरह का ऑडियंस का कोई कस्टम लिस्ट है वो तुम्हारा है ना, फेसबुक तो नहीं है, तुमने अपना बनाया, एक लिस्ट बनाया है। ऐप एक्टिविटी, तुम्हारा कोई ऐप है तो उस ऐप में जो ऑडियंस है वो तुम्हारा है ना, तुम्हारा ऐप है, उसमें जो ऑडियंस आ रहा है वो तुम्हारे लिए, दीज आर ऑल योर सोर्सेस, योर ओन सोर्सेस। तो दो तरह का होता है, एक तुम्हारा अपना सोर्स, तुम्हारा अपना प्लेटफॉर्म से जहां से ऑडियंस का सोर्स बनाया जा रहा है, ऑडियंस का लिस्ट बनाया जा रहा है, दूसरा फेसबुक का अपना, मेटा मतलब फेसबुक, तो मेटा सोर्सेस, मेटा सोर्स मतलब फेसबुक का जो है, फेसबुक का वीडियो किसी ने देखा, फेसबुक का, इंस्टाग्राम तो मेटा का ही है, तो इंस्टाग्राम अकाउंट में किसी ने विजिट किया, किसी ने फेसबुक पेज से जुड़ा हुआ एक्टिविटी किया, किसी ने फॉर्म से जुड़ा हुआ एक्टिविटी किया, तो अलग अलग है, फेसबुक लिस्टिंग है, फेसबुक मार्केटिंग मतलब ये फेसबुक मार्केट प्लेस हो गया, ये फेसबुक शॉपिंग है। तो फेसबुक का इन प्लेटफॉर्म्स पे किसी ने अगर पहले से ही कुछ एक्टिविटी किया तो वो मेरा ऑडियंस, वो हो गया ऑडियंस सोर्स, एक हो गया मेटा सोर्स, दूसरा हो गया योर ओन सोर्स। तो मैं एक दो, सभी नहीं, मैं एक दो एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, बाकी एक दो अगर देख लोगे तो बाकी समझ में आ ही जाएगा, इसे ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब चीजें बस समझना है और करना कोई बड़ा काम नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल भी आसान है, बस तुमको कुछ चीजों को एनालाइज करना है, कुछ चीजों को तुमको मतलब अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपना सोर्स, मतलब तुम्हारा अपना सोर्स, तुम्हारा अपना कोई वेबसाइट हो गया,
तुम चाहते हो कि मेरा जिसने मेरा वेबसाइट को विजिट किया उसको मैं दिखाना चाहता हूँ अपना एड, वो मेरा ऑडियंस होगा, ठीक है। तो मैं चला जाऊंगा वेबसाइट में, क्लिक करूंगा, ओके एंड नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट, अभी बहुत सारा ऑप्शन आएगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला है इवेंट्स पे, यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन ऑल वेबसाइट विजिटर, अगर इसका ड्रॉप डाउन लिंक्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा दिखाई है। देखो इंक्लूड्स ऑल वेबसाइट विजिटर्स के अंदर नीचे क्या लिखा है, इंक्लूड्स पीपल हु हैव विजिटेड एनी ऑफ योर वेबसाइट्स, ठीक है। मतलब तुम्हारा बहुत सारा वेबसाइट है और उन सभी वेबसाइट का बात हो रहा है, और जिन लोगों ने तुम्हारा उनमें से किसी एक वेबसाइट को विजिट किया वो तुम्हारा ऑडियंस लिस्ट, वो तुम्हारा ऑडियंस होगा अगर तुम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, ठीक है। अच्छा, और वो वेबसाइट कौन सा होगा, तुमने फेसबुक में पहले से जो अपना वेबसाइट डाल के रखा है पहले से ही, उन वेबसाइट का बात हो रहा है। तुम जब फेसबुक में अपना वेबसाइट पर जाना पड़ता है ना वहाँ पे, तो वो जो वेबसाइट तुम डाल के रखा है लिंक्स, वही वेबसाइट का बात हो रहा है। और ऑल वेबसाइट विजिटर जो कि लास्ट 30 डेज में जिन लोगों ने मेरा वेबसाइट को विजिट किया, ये डेज भी है यहाँ पे, क्योंकि किसी ने एक साल पहले विजिट किया उससे तो कोई मतलब नहीं है मुझे, जो रिसेंटली विजिट किया वो ज्यादा मेरे लिए रिलेवेंट होगा ना। तो ये तुम डे अपने हिसाब से डाल सकते हो, तुम ऐसे नहीं कि 30 डेज ही होना पड़ेगा, यहाँ पे तुम 60 डेज भी कर सकते हो, 70 डेज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन ज्यादा पुराना मत करना, पुराना ऑडियंस को रिटारगेट कोई फायदा नहीं है। तो लेट इट हैव सपोज 30 डेज में रखता हूँ, ठीक है, क्लियर बात। ऑल वेबसाइट विजिटर्स, सेकेंड क्या ऑप्शन है देखो, अच्छा सेकेंड क्या ऑप्शन है, पीपुल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस, पूरा वेबसाइट का बात नहीं हो रहा है उस वेबसाइट का स्पेसिफिक पेजेस का बात हो रहा है। से अभी समझ लो कि मैं यहाँ पे मैं एक मेरा वेबसाइट को खोल रहा हूँ, जैसे मैं समझ लो ये मेरा वेबसाइट हो गया, और इस वेबसाइट में बहुत सारा पेज है ना, इस वेबसाइट में क्या है बहुत सारा पेजेस है, ये सब क्या है अलग अलग पेजेस है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो अलग सा एक पेज आएगा, अलग सा एक पेज आएगा, ये पेज आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह से बहुत सारा पेज है मेरा वेबसाइट में, सभी लिंक्स अलग अलग पेज में जा रहा है लेकिन सेम वेबसाइट का ही है। तो मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने रिपेयरिंग कोर्सेस वाला पेज को विजिट किया, और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रिपेयरिंग से जुड़ा हुआ, रिपेयरिंग मैं चाहता हूँ कि रिपेयरिंग कोर्स से जुड़ा हुआ कुछ मैं एड डालूँ। तो ये चीज़ तुमको खुद सोचना होगा ना ऐसे, ठीक है, मैं रिपेयरिंग कोर्स से जुड़ा हुआ कुछ एड डालूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा वेबसाइट में जिन लोगों ने रिपेयरिंग कोर्स का पेज को विजिट किया, क्योंकि मेरा वेबसाइट में बहुत सारा कोर्सेस है, सॉफ्टवेयर कोर्स, हार्डवेयर कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, बहुत सारा कोर्स है, लेकिन मेरा जो एड मैं करने वाला हूँ, बनाने जाने वाला हूँ, तो रिपेयरिंग से जुड़ा हुआ है। तो मैं स्पेसिफिक रिपेयरिंग कोर्स पेज कोर्स वाला पेज में जिस पेज को जिसने विजिट किया वो मेरा लिए ऑडियंस होना चाहिए। तो मैं इस पेज का यूआरएल को कॉपी कर लूंगा, और ये वाला दिया है ना यहाँ पे उस यूआरएल को पेस्ट कर दो, समझ में आ रहा है, क्लियर। कंटेंस यूआरएल यहाँ पे तुम इसको कर दो इक्वल्स, कंटेंस नहीं इक्वल्स, मतलब यूआरएल इक्वल्स दिस, इस यूआरएल को जिसने विजिट किया इस पेज को, ये तो पूरा पेज हो गया ना, इस पेज जिसने विजिट किया लास्ट 30 डेज में वो मेरे लिए ऑडियंस होगा। देखो कितना स्पेसिफिकली तुम अपना ऑडियंस बना सकते हो, और डेफिनेटली यहाँ पे ऑडियंस तुम्हारा लार्ज वॉल्यूम में नहीं आएगा, वॉल्यूम घटेगा यहाँ पे, ऑडियंस घटेगा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एकदम स्पेसिफिक रिलीवेंट ऑडियंस होगा। और इस तरह का ऑडियंस को तुम प्रमोशन के लिए नहीं, अवेयरनेस के लिए नहीं, तुम कन्वर्जन के लिए एड डालो, लीड जनरेशन के लिए एड डालो, स्पेसिफिक ऑडियंस है ना ये सब। अच्छा सिर्फ यही पेज है क्या, तुम और भी ऐड कर सकते हो एड ऑल्सो, तुम चाहते हो कि तुम और भी तुम्हारा रिपेयरिंग, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया ये समझ लो कि एलईडी रिपेयरिंग समझ लो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस पेज को भी, मैं चाहता हूँ कि इस पेज में भी जो लोग विजिट कर रहा है
उन लोगों को मैं अपना एड दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आया और मैंने इसको डाल दिया। वन मोर इक्वल्स दिस साइट। तो इस तरह से मल्टीपल पेजेस एड कर सकते हो। जो इन पेजेस को एड विजिट कर रहा है लास्ट 30 डेज में, वो मेरे लिए क्या होगा? ऑडियंस होगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, फर्दर ये जरूरी नहीं है इसका इतना खास। ठीक है, डिवाइस मतलब मोबाइल होगा कि लैपटॉप होगा, ये तो जरूरी नहीं है। जो मोबाइल में देखे, लैपटॉप में जहीं भी देखे, वो उसको जाता है। फिर फर्दर फिल्टर इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? बस समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें से तुम ऑडियंस, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑडियंस साइज माइट बी टू स्मॉल। डेफिनेटली स्मॉल ही होगा ये। ठीक है, कम ही होगा क्योंकि मैंने स्पेसिफिक पेज दे दिया ना। एक स्पेसिफिक पेज को कितना ऑडियंस विजिट करेगा, कितना विजिटर्स आएगा वहाँ पे, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम अगर उसका तो इसको ऐड करो, नहीं तो और भी मल्टीपल ऐड करो, तुम्हारा ऑडियंस बढ़ेगा जिस आप। नाउ इसमें से भी तुम इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हो, ये भी अलग ऑप्शन है। इंक्लूड मोर पीपल, फिर तुम यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हो। सेम चीज़ तुम यहाँ पे रिपीट कर सकते हो, तो मुझे फिलहाल ये जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से तुम एक्सक्लूड भी कर सकते हो, ये सब ऑप्शन है, कर सकते हो ना भी करो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? और क्या ऑप्शन है? विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। एक होता है पेज को सिर्फ विजिट करना, और एक होता है कि लोग मेरे वेबसाइट तक आया, पेज को थोड़ा समय तक मेरा वेबसाइट तक वेट किया, जैसे मेरा किसी ने मेरा पेज में आया, ये हो गया विजिट। लेकिन थोड़ा समय वेट भी नहीं किया, चला गया, वो तो टाइम स्पेंड नहीं किया ना मेरा वेबसाइट में, तो आया मेरा इन कंटेंट्स को पढ़ा दिखा उसने, समझ लो, तो थोड़ा टाइम इसमें स्पेंड किया वो, तो उसके लिए तुम ये वाला। तो जो ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, ही इज मोर स्पेसिफिक, ये तो और भी स्पेसिफिक ऑडियंस होगा मेरे लिए। क्लियर? तुम पूरा एकदम प्रॉपर एकदम सही ऑडियंस को तुम यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। पूरा वेबसाइट को विजिट किया, उससे ज्यादा स्पेसिफिक होगा पेज को विजिट किया, उससे ज्यादा उस पेज को कितना टाइम दिया उसने, विजिटर्स, विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड परसेंटेज के हिसाब से 25% 10% जितना भी हो। तुम जितना स्पेसिफिक करोगे उतना ऑडियंस वॉल्यूम घटेगा, लेकिन यहाँ कम हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली तुम एकदम स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो ना। क्लियर बात? इट्स अप टू यू क्या देना है तुमको, 10% देना है, 5% देना है, जितने तुम्हारा उसमें आके 25% टाइम स्पेंड किया तो उसको तुमको टारगेट करना है। ज्यादा देने से तुम्हारा ऑडियंस वॉल्यूम घटेगा, लेकिन वो ज्यादा स्पेसिफिक होगा। क्लियर? लाइक दिस परसेंटेज सर कुछ नहीं दे सकते, कस्टम का नहीं, कस्टम का ऑप्शन नहीं है, जो भी है वही देना पड़ेगा तुमको यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, और भी तुम स्पेसिफिक पेजेस को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। डन, कॉन्सेप्ट कोई ये करने का समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं यहाँ पे, बस चीजों को समझना है। देन गिव द ऑडियंस नेम, ऑडियंस नेम तो दोगे, कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि मिला जुला नेम देना। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया माय वेबसाइट विजिटर्स ऑडियंस, वेबसाइट मिला जुला कोई एक नाम दे देना यहाँ पे, ताकि तुमको बाद में समझ में आए कि ये ऑडियंस मैंने किसके लिए बनाया, ये कौन सा मेरा ऑडियंस है। वेबसाइट विजिटर्स, वेबसाइट विजिटेड ऑडियंस, इस तरह से मैंने दे दिया ऑडियंस विजिटेड माई रिपेयरिंग। ये तो नेम है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस तुमको अपना अपना समझने के लिए। ठीक है, रिपेयरिंग पेज कौन सा साइट का, और डाटा कॉम साइट से फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी अपने साथ अप टू 50 कैरेक्टर जा सकते हो, डिस्क्रिप्टिव नेम दे सकते हो यहाँ पे, लेकिन अप टू 50 कैरेक्टर्स ऑप्शनल, और भी इसको ऑप्शनल तुम डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। देन क्रिएट ऑडियंस, क्लियर, योर कस्टम ऑडियंस वाज क्रिएटेड। इट मे टेक फ्यू मिनट्स फॉर आस टू फिनिश मैचिंग योर कस्टमर टू पीपल, मतलब ये अभी तो मैंने बना दिया, डन, तो मैंने बना दिया और ये तुम्हारा ऑडियंस लिस्ट में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, देखो, और ये अभी इसका साइज वो पेंडिंग दिखा रहा है, क्यों, अभी फेसबुक उसका साइज को अभी काउंट करेगा ना, उसको टाइम लगेगा ना, तो टाइम लगेगा उसको, तो साइज नॉट येट अवेलेबल, ये आफ्टर फ्यू आवर्स के बाद तुम उसको चेक कर लो, तो उसका साइज दिखा देगा, कितना तुम्हारा यहाँ पे इंस्टेंटली इसका साइज आएगा, टाइम लगेगा इसका साइज आने में उसको, इसीलिए तो ऑडियंस पहले बना कर रखना पड़ता है हम लोग को,
इसलिए कि मैं अभी ये प्रमोट कर रहा हूँ और ऑडियंस बना रहा हूँ कस्टम ऑडियंस, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि वो ऑडियंस साइज को वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है जो भी हो। तो ये वेबसाइट के बेसिस पे मैंने क्या किया, अपना कस्टम ऑडियंस बनाया। अगर तुम्हारा अपना सोर्स है तुमको कस्टम ऑडियंस बनाना है तो इन दिस वे यू कैन क्रिएट मोर। और बाकी तो यहाँ पे मैंने बोला इन ऑडियंसेस को चाहिए नहीं, यहाँ से डिटेली मॉडिफाई कर सकते, सभी चीजें मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे कस्टम ऑडियंस में फिर से जाते हैं हम लोग और क्या है। अच्छा ये तो मैंने यहाँ का एक दिखा दिया वेबसाइट का, बाकी तुम लोग भी खुद कर सकते हो। ऐप तो तुम लोग का अभी फिलहाल कोई इस तरह का मोस्ट लोगों का होता नहीं है, तो ऐप एक्टिविटी तो मोस्टली वेबसाइट सभी का होता है। ठीक है, जो कस्टमर लिस्ट नंबर कस्टमर लिस्ट तुम्हारे पास मैनुअल कस्टमर लिस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। मोस्टली हम लोग इसका ज्यादा, अगर तुम योर सोर्सेस में जाओ तो वेबसाइट वाला कॉन्सेप्ट को ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, इसको ज्यादा यूज करते हैं वेबसाइट देखें। और अगर तुमको फेसबुक का सोर्स मेटा का सोर्स यूज करना है तो यहाँ पे इन सभी ऑप्शंस में जा सकते हो। मैं एक दो करके दिखाता हूँ, बाकी खुद भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेट मी हैव वीडियो सिलेक्ट करता हूँ मैं अभी। जिसने मेरा फेसबुक वीडियो से पहले से कुछ फेडविक वीडियो को दिखा स्पेंड किया, जो अभी आएगा ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया इसको, नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे। सर वहाँ पे जो सिर्फ वीडियो मल्टीपल चूज कर सकते हैं। आएगा यहाँ पे, नहीं क्या मल्टीपल अभी सिर्फ आपने वीडियो चूज, नहीं ये वीडियो बेस्ड है, एक ही ऑप्शन आएगा ना, और कोई ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। नीचे आता है ना स्पेसिफिक और ऑप्शन एड का, पहले देख लो यहाँ पे क्या रहा है। इंगेजमेंट टाइप मतलब वीडियो में किस तरह से वो इंगेज हुआ। ठीक है, ड्रॉप डाउन तुमको नहीं लिख करना है, बस लिस्ट है यहाँ पे, देखो लंबा लिस्ट है यहाँ पे। मैं एक दो समझता हूँ, पढ़ के समझ में आ जाएगा क्या है इसमें। पीपल हु व्यूड एटलीस्ट 3 seconds ऑफ योर वीडियो पहला ऑप्शन, हु व्यूड एटलीस्ट 10 seconds, हु व्यूज 25% ऑफ योर वीडियो, 50%, 95%, क्या चाहिए तुमको, समझ में आ रहा है ना, तुम किस तरह चाहते हो। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना तुम, अच्छा मैं बोलता हूँ, समझ लो मैंने बोल दिया कि पीपल हु व्यूड फास्ट 15 seconds ऑफ माई वीडियो। ठीक है, 15 seconds ऑफ माई वीडियो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। कितना दिन लास्ट, कितना दिन का, तो 365 में तो नंबर डिले होता है ना, ये तुम अपने हिसाब से दे देना 50-60 जो भी हो, जितना दिन का चाहिए तुमको। यहाँ पे उससे पहले और एक चीज, वीडियो कौन सा, वो तो मैंने दिया नहीं, तो उसके लिए ये ऑप्शन कहाँ पे गया, हाँ ये चूज वीडियोस, क्योंकि फेसबुक मेरा बहुत सारा वीडियो है ना, तुम चाहे तो सभी का कर सकते हो, जिसने तुम्हारा सभी वीडियो है तो तुम सिलेक्टेड किसी वीडियो को भी बोल सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मैं एक जैसे साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ मुझे एक प्रोमोट एड देना है, तो मैं अपना फेसबुक में साइबर सिक्योरिटी जुड़ा हुआ मैंने अगर कोई वीडियो दे के रखा है तो उसका उसको व्यू करने वाले लोगों को मैं अपना ऑडियंस बनाना चाहता हूँ। वीडियो तो बहुत सारा लग रहा है, सभी को ऑडियंस बनाने क्या फायदा मेरा, क्योंकि ये तो तुम्हारा तुम करने वाले हो पेड, और हमेशा पेड में तुम सही सही तुमको सब कुछ सुलग करना पड़ता है, नहीं तो गलत जगह पे वीडियो जाएगा और तुम्हारा ऐसे ही तुम्हारा पैसा कटेगा। चूज वीडियोस, चूज वीडियोस, कौन सा वीडियो सोर्स, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, प्रोफाइल, कैंपेन, वीडियो आईडी। नॉर्मली मैं फेसबुक ही ले लेता हूँ। कौन सा पेज का, ये वाला पेज का, कि तुम्हारे पास जो भी पेज होगा वो तो लिस्ट यहाँ पे आ ही जाएगा अपने आप से। मैंने ये वाला पेज ले लिया, टाटा कॉम आई टी इंस्टीट्यूट ले लिया मैंने, तो मेरा इस पेज में जो भी वीडियोस मैंने डाला है पूरा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है, बस ये पूरा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, बस तुमको यहाँ पे रिफाइन करना होगा लास्ट यूज डेट, सिलेक्ट डेट, कौन सा डेट का वीडियो, ये तुम यहाँ से रिफाइन कर लेना कौन सा डेट का तुमने जो वीडियो डाला था। ठीक है, ये लास्ट कौन सा डेट, कितना दिन का तुमको वीडियो, लास्ट 28 days का वीडियो चाहिए कि लास्ट 20 quarters का वीडियो चाहिए, तो पूरा ये पूरा क्वार्टर का वीडियो दिखाएगा तुमको यहाँ पे। ठीक है, लिस्ट में यहाँ पे आएगा, अभी यहाँ पे एक पेज दिखा रहा है, ये यहाँ पे जाओगे सेकेंड पेज आएगा, लाइक दिस, क्लियर ना। अभी कौन सा दिखा रहा है, 3 seconds वीडियो व्यूज वाला दिखा रहा है, वीडियो डिटेल्स और थंबनेल ये है। ठीक है, 3 seconds वीडियो व्यूज वाला मैं यहाँ पे दिखा रहा है जो भी हो, तो एटलीस्ट 3 seconds इसने लिया है, एटलीस्ट 3 seconds। तो जैसे मैंने बोला कि
समझ लो ग्राफिक्स, यही लड़ो जो दिखा रहा है यहाँ पे, मैं ग्राफिक्स डिजाइन से जुड़ा हुआ कुछ मुझे एड डालना है, तो जिसने मेरा ग्राफिक्स से जुड़ा हुआ वीडियो देखा उसको मैं टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं इस वीडियो को चूज कर लूंगा। जरूरी नहीं इसी को सिर्फ एक को करना है, तो मल्टीपल वीडियो ले सकते हैं यहाँ पे, मतलब समझ रहे हैं ना, मैचिंग लेना मुझे, मिला के लेना चीजों को। मैंने मल्टीपल वीडियो यहाँ पे ले सकते हो, मैंने ये ले लिया, तुम और भी है समझ लो, तो मैं डालूंगा नहीं, मैं ले लिया इसको, दस दो वीडियो मैंने, मैं चाहता हूँ इन दोनों वीडियो को जिसने दिखा ठीक है फॉर द फास्ट 15 सेकेंड के लिए, वही लोग मेरा ऑडियंस हो। देखो तुम ऑडियंस कितना स्पेसिफिक बना सकते हो यहाँ पे, और लास्ट 60 डेज का ये डाटा ठीक है, तो उस तरह से ले लो, ऑडियंस का नेम असाइन कर दो, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, सो लाइक दिस यू कैन क्रिएट वन मोर ऑडियंस बेस्ड ऑन वीडियो व्यूज, बेस्ड ऑन वीडियो व्यूज। बाकी तुम लोग भी कर पाओगे, कोई यहाँ पे इस तरह का कुछ, बस प्रोसेस को समझना है, एक दो करो तो समझ में आ जाता है, मैं और एक करके दिखाता हूँ, बाकी तुम लोग कर लेना खुद भी ठीक है। कस्टम ऑडियंस में जाओ, इसे समझ लो फेसबुक पेज ठीक है, ये तो लीड फॉर्म, अगर इसमें जाओगे तो ऑप्शन आ जाता है ना, तुमको बस ऑप्शन चूज करना है, यहाँ पे लीड फॉर्म में जाओगे समझ लो, लीड फॉर्म मल्टीपल चूज नहीं कर सकते यहाँ पे, नहीं यहाँ पे एक ही होगा, एक ही होगा मल्टीपल ठीक है। जैसे मैं लीड फॉर्म में जा रहा हूँ, लीड फॉर्म में किया, यहाँ पे तुम मल्टीपल ऑडियंस लिस्ट बना के रख दो, कस्टम लिस्ट, बाद में जब एड डालोगे उन मल्टीपल ऑडियंस को सिलेक्ट कर दो ना, बात एक ही है ओके। अच्छा लीड फॉर्म, जिसने मेरा फॉर्म अभी यहाँ पे देखो, एनीवन हु ओपेंड फॉर्म, हु ओपेंड फॉर्म बट डिड नॉट सबमिट अ फॉर्म, हु ओपेंड फॉर्म एंड सबमिट, कितना ऑप्शन है, सभी ऑप्शन है, जिसने फॉर्म ओपन किया सबमिट भी किया, ही इज मोर रिलेवेंट फॉर मी, उसको टारगेट करो, उसको टारगेट करो, कौन सा पेज का, इस पेज का, जो भी पेज का तुमको चाहिए, उसमें कौन सा फॉर्म है, जो भी उसमें फॉर्म बना हुआ है, जब मतलब एडमिशन फॉर्म, ये वाला फॉर्म मैंने ले लिया, और ये फॉर्म तुमको पहले से बना के रखना पड़ेगा, नहीं बना हुआ तो आएगा नहीं यहाँ पे ठीक है, तो ये वाला फॉर्म का मैंने ले लिया, तो सिलेक्ट ऑल सभी फॉर्म का तुम ले सकते हो ठीक है, बाकी वही ऑडियंस नेम डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, क्रिएट कर लो ठीक, आसान है कि नहीं, कुछ भी नहीं है, बस कस्टम ऑडियंस समझ लो, फेसबुक पेज सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक बार ऑप्शन तुमको दिखा देता है, पढ़ो उसको, वो क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से तुम बनाओ अपना ऑडियंस। फेसबुक पेज में जा रहा हूँ, नेक्स्ट, कौन सा पेज के लिए, अगर तुम्हारे पास मल्टीपल पेज है तो उसके लिए अलग से बना देना, मैंने चाहता हूँ कि मेरा इस पेज के लिए, एवरीवन हु इंगेज, क्या क्या ऑप्शन है, एवरीवन हु इंगेज विद दिस पेज, देखो हु करेंटली लाइक और फॉलो योर पेज, एनीवन हु विजिटेड योर पेज, हु इंगेज विद एनी पोस्ट और डन, मल्टीपल ऑप्शन है, जिस ऑप्शन के थ्रू आपका ऑडियंस बनाना है उसको सिलेक्ट करो, ऑडियंस बनाओ, सेव करके रख दो, ऑडियंस को पहले से ही बना के रखो, कस्टम ऑडियंस पहले की बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऑडियंस का साइज को निकालने के लिए उसको थोड़ा समय लगेगा मेटा को, फेसबुक को ठीक है। इन दिस वे यू क्रिएट कस्टम ऑडियंस, जैसे यहाँ पे देखो मैंने एक कस्टम ऑडियंस बनाया है ठीक है, कस्टम ऑडियंस कितना है, बिलो 1000 है, कितना घट गया, क्योंकि मैंने किसी एक इस तरह से शायद प्रीवियस डेट में किया था मैंने वो, जो भी हो, तो कस्टम ऑडियंस का साइज घटता है, तो मेरे लिए ऐसा नहीं कि हमेशा इतना ही होगा, तुम्हारे केस में ज्यादा भी हो सकता है, काम वो डिपेंड करता है, वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारा सोर्स कितना ज्यादा मतलब पॉपुलर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा। सर कस्टम ऑडियंस देना मैंडेटरी तो नहीं है, सिर्फ सेम ऑडियंस भी कर सकते हैं। नहीं तुमने समझा ही नहीं मेरे बात, कब सेम ऑडियंस कब करोगे, कस्टम ऑडियंस कब, हाँ हाँ, कोई यहाँ पे कोई मैंडेटरी कुछ भी नहीं है, सब तुम्हारा अपना मर्जी है, तुम डायरेक्ट सेव ऑडियंस लेके तुम ये लीड जनरेशन का भी एड चला सकते हो, तुम्हारा अपना मर्जी है, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं एक प्रोफेशनल वे ऑफ जो एड डालने का तरीका वो सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ कि ये मुझे सेव ऑडियंस से मुझे अवेयरनेस ही चलाना है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम चला सकते हो सेव ऑडियंस यूज करके, तुम कन्वर्जन का एड चला सकते हो, लीड जनरेशन का एड चला सकते हो, तुम्हारा अपना मर्जी हो सकता है, लेकिन जब एक सिस्टमेटिकली करोगे ना, तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना यहाँ पे, ये क्या है, ये तो पेड मार्केटिंग है ना, पेड मार्केटिंग तुमको पैसा देना पड़ता है, गलत जगह पे ऐड दिखेगा अननेसेसरी, वो तुम्हारा उसमें तुमका कोई एनरोल करेगा ही नहीं वो, और ऐसे तुम्हारा पैसा कटता जाएगा। पर ऑल दिस थिंग्स आर रिसर्च बेस्ड, तुमको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा इन सभी चीज़ों के ऊपर, तुम डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तुमको भी खुद एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे कर लिया ऐसा बात नहीं है,
तुम 4-5 ऐड डालो, 10-12 ऐड डालो, एक महीना इस तरह से करके देखो क्या फीडबैक आता है, क्या रिजल्ट आता है, उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करो तुम किस तरह का तुमको, किस तरह से तुमको रिजल्ट मिलता है, सभी चीजों को एक साथ मिलाते जुलाते इस तरह से तुमको ऐड डालना पड़ता है। जैसे भी करो होता है, इससे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नॉर्मली तुम लोगों ने आई थिंक तुम लोगों ने ऐड डाला भी होगा शायद, किसी ने पहले भी डाला कि नहीं, तुमने सीन नहीं डाला इंस्टा में डाला है जो भी हो, लेकिन इस तरह से मतलब डीपली तो नहीं किया कभी हम लोगों ने। तो ये होता है सीखने का मतलब क्या है, थोड़ा उसको प्रोफेशनली सीखना है ना हम लोगों को, तो ये हो गया प्रोफेशनल वे ऑफ एड डा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कस्टम ऑडियंस क्रिएशन। इसमें देखो पेंडिंग दिखा रहा है, ये टाइम लगेगा, वो कैलकुलेट करेगा फिर करके बाद में दिखाएगा, जब ये तुम्हारा इसका साइज यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा तब इसको तुम क्या, और अभी इस कस्टम ऑडियंस मैंने बना लिया, अभी इसको लेके मुझे क्या करना है, एड डालना है समझ लो। तुम लास्ट दिखा दे रहा हूँ मैं, तुम एड यहाँ से भी डाल सकते हो, यहाँ से भी तुम जाते हुए एड डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, नया एड करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं एड मैनेजर में जा रहा हूँ, मतलब इस कस्टम ऑडियंस को यूज करते हुए मुझे एड डालना है, ठीक है। तो मैं कैंपेन में जा रहा हूँ और यहाँ पे क्रिएट न्यू कैंपेन करूंगा, मैं जल्दी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो मैं कौन सा ऑडियंस यूज करूंगा, कस्टम ऑडियंस, तो मैं किस तरह का एड चलाऊंगा, अभी अवेयरनेस नहीं, या तो एंगेजमेंट वाला एड चलाऊंगा, ये ज्यादा काम इफेक्टिव होगा ना। यही बात है, ऑडियंस कैसे बनाया और उसको किस तरह के कैंपेन में यूज करोगे हुए। अगर तुम सेव्ड ऑडियंस बनाते तो अवेयरनेस या तो ट्रैफिक वाला एड चलाते, तुम मैंने बनाया कस्टम ऑडियंस, बहुत कम वॉल्यूम है उसमें, मुझे डायरेक्ट एंगेजमेंट चाहिए, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एंगेजमेंट में और इसको करता हूँ कंटिन्यू। एंगेजमेंट में तुम्हारा क्या आएगा, ये सब आएगा, देखो वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, कन्वर्जन, ये सब आएगा। कंटिन्यू करते हैं आगे, बाकी तो मैंने लास्ट टाइम सिखा दिया, ये सब मैं डायरेक्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जस्ट वहाँ पे दिखाता हूँ ऑडियंस का लिस्ट कहाँ पे आता है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे तुमको ऑडियंस का जब ऑप्शन जहाँ पे आता है मैं वहाँ पे लेके जाता हूँ डायरेक्ट, ये मैं यहाँ पे नीचे ये आ गया, देखो देखा ना, ये देखो। फिर जब तुम अभी इस एड को चलाने के लिए तुमको चाहिए अभी ऑडियंस, एकदम पहले हम लोगों ने यहीं पे ही ऑडियंस को क्रिएट कर लिया था, लास्ट क्लास में तुम लोगों को मैंने यूज्ड सेव ऑडियंस में सिखाया था, आज हम लोग क्या बनाया, कस्टम ऑडियंस। तो कस्टम ऑडियंस यहाँ पे क्लिक करो और क्लिक करते ही तुम्हारा यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा, देखो कौन सा बनाया था हम लोगों ने, ऑडियंस विजिटेड माय रिपेयरिंग पेज ऑफ डाटा कॉम, ये कस्टम बनाया था ना, इसको सिलेक्ट कर लो। नीचे ऑडियंस में इसमें तुम जाना ही नहीं, नीचे का जो ऑडियंस वाला ऑप्शन है ये सब में मत जाना, ठीक है। बस मैंने कस्टम ऑडियंस सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे अभी एंगेजमेंट वाला एड चलाना है, तो मैंने कस्टम ऑडियंस सिलेक्ट कर लिया और इन्हीं को मुझे अपना एड दिखाना है। बाकी तो प्रोसेस समझ में आ रहा है, बाकी कंटिन्यू करो, इसको फाइनल करो और पेज को डालो, क्लियर बात। कस्टम ऑडियंस, सेव्ड ऑडियंस वॉल्यूम हाई, कस्टम ऑडियंस वॉल्यूम विल डिक्रीज, लोकलाइज ऑडियंस और भी घटेगा उसका वॉल्यूम, लेकिन मोर ज्यादा रिलेवेंट होगा और भी। तो वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग, तो आज के लिए इतना रहने दो, ठीक है।